हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब टेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आया है असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड, और जानेंगे इसका इस नोटिफिकेशन को डिटेल में, और जानेंगे कहाँ कहाँ पर जो है वैकेंसीज को निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वीडियो, ये जो नोटिफिकेशन आया है असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये टेम्प्रेरी पोस्ट है, ठीक है। और ये जो नोटिफिकेशन आया है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, वहाँ से रिलीज़ किया गया है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप जो है मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आप जैसे यूट्यूब पे सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस जॉब्स टेलर, तो आपको मेरे चैनल का जो इंटरफेस है इस टाइप का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जॉब से रिलेटेड जो भी पोजिशंस हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका कोई भी लाइक साइंटिस्ट पोस्ट से रिलेटेड हो, या प्रोजेक्ट वैकेंसीज हो, या आपका पीएचडी एडमिशन या एमएससी या बीएससी एडमिशन से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो मैं रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप जो है बायोलॉजी से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आपका सीएसआई जेआरएफ हो, चाहे गेट हो, चाहे आपका नीट हो, या बीएससी या एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड जो कंटेंट है वो रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो आप मेरे यहाँ पे बायोलॉजी कंटेंट को भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड और साथ ही साथ जो है जॉब से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज आती है उनके बारे में वीडियो को लाइक रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप जो है इन दोनों के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। तो चलिए हम देख लेते हैं ये नोटिफिकेशन। तो देखिए ये जो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया, ये नोटिफिकेशन 8 सितंबर को आया, और यहाँ पे देखिए जो पोस्ट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की है, और जो नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, और स्पेशलाइजेशन यहाँ मांगा गया है वो डेवलपमेंटल एंड स्टेम सेल बायोलॉजी स्टेटिस्टिकल मेथड इन बायोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंट डिजाइन एंड मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर इसमें आपका स्पेशलाइजेशन तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट मोड है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1 ईयर का, तो ये कोई भी परमानेंट जॉब नहीं है, ये टेम्परेरी जॉब है। और यहाँ पे जो पे ग्रेड आपको दिया जाएगा वो यूजी पर एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया जाएगा। तो देखिए ये अगर आप जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ इन लाइक कंसर्न सब्जेक्ट में, या रिलेवेंट या एलाइड सब्जेक्ट में। इसके अलावा जो है आपका पीएचडी डिग्री होना यहाँ पे कंपलसरी है, ठीक है। तो आपका पीएचडी डिग्री लाइफ साइंस में हो या बायोटेक्नोलॉजी या कोई भी रिलेवेंट फील्ड में अगर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं कि देखिए अगर आपने ना पीएचडी का रजिस्ट्रेशन जो है 2009 से पहले अगर आपने किया है तो आपको यहाँ पे जो है नेट सेट या स्लेट की कोई भी जरूरत नहीं होगी, ठीक है। डिजायरेबल कंडी यहाँ पे एलिजिबिलिटी है कि आपका टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए रेपुटेड इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में, एज एज पर यूजीसी गाइडलाइन, और जो लास्ट डेट है सबमिशन की अप्लीकेशन को वो है 20 सितंबर 2021 बाई 5 PM। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपना जो भी लाइक एप्लीकेशन है अलॉन्ग विद योर सीवी और आपके जो भी सपोर्टिंग टेस्टिमोनियल्स है वो सारा आपको सबमिट करना है। और यहाँ पे देखिए इन्होंने ऑलरेडी एड्रेस मेंशन कर रखा है, तो आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू जो है अपना जो भी सीवी लाइक सपोर्टिंग टेस्टिमोनियल्स और आपके जितने भी लाइक मार्कशीट्स हैं वो सारा जो है आपको यहाँ पे जो है वो सेंड करना है। और देखिए एड्रेस उन्होंने मेंशन कर रखा है ज्वाइंट रजिस्ट्रार रूम नंबर 17 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी सेक्टर 16C द्वारका न्यू दिल्ली, ठीक है। और जो लास्ट डेट पहुंचने की है वो 28 सितंबर है, ठीक। तो यहाँ पे आपको जो है अपना सारा जो डिटेल है और आपके एप्लीकेशन और सीवी और आपके सपोर्टिंग टेस्टिमोनी आपको सेंड भी करना है यहाँ पे हार्ड कॉपी, ठीक है। इसके अलावा आप जो एनवलप यूज़ करेंगे अपने डॉक्यूमेंट को सेंड करने के लिए उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन द डिसिप्लिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे देखिए कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन कर रखे, तो आप अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पूरा लाइक जो इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन वो सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए जो भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप करेंगे उसके साथ आपको जो अटेस्टेड कॉपी लगाना है, अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट एंड एप्लीकेशन विदाउट द सेट डॉक्यूमेंट लाइकली टू रिजेक्टेड। तो अगर आप इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट मिस करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा,
ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको मेंशन किए। और देखिए यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचिंग पोस्ट, तो इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है, यहाँ पे पूरा डिटेल आपको भरना है, और साथ आपका डिटेल जो है वो आपका एकदम सही होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। 10th क्लास से आपको स्टार्ट करना है और आपका PG या PhD तक जो है आपको अपना जितना भी डिटेल है उसे आप अच्छे से यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आपको भरना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस भी यहाँ पे जो मेंशन कर सकते हैं कि आपने जो टीचिंग या रिसर्च जो है कौन से इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन से की है, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो आप जो है यहाँ पे पूरा ये फॉर्म जो है वो अच्छे से आप फिलअप कर सकते हैं। तो आप जो है इसको फिलअप करने के बाद आपका जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो सब जो है आपको यहाँ पे सेंड करना है। तो ये तो हुआ गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन। दूसरा नोटिफिकेशन जो आया है वो आया हमारे गीतम यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पे देखिए गीतम बायोटेक फैकल्टी से, तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन इन्वाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है, केमिस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी में, डाटा साइंस में, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, फाइनेंस, पॉलिटिकल साइंस, ऐसे टीचिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है केमिस्ट्री में, लैब असिस्टेंट की, लैब टेक्नीशियन, PA2 डायरेक्टर की वैकेंसी भी यहाँ निकाली गई है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, तो केमिस्ट्री में MSc आपका होना चाहिए और PhD केमिस्ट्री में होना चाहिए, बायोटेक में MSc PhD आपका बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए, डाटा साइंस में आपका MSc MCA MTech विद डाटा साइंस होना चाहिए। और यहाँ पे इसी तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखी है, और जो एक्सपीरियंस है वो आपका 2 ईयर्स का अगर है आपका या 2 ईयर्स से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे प्रिफ्रेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको अपना CV या अपना रेज्यूम जो है और आपके जितने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक सिंगल PDF फाइल में आप बना के जो है मेल कर सकते हैं admin@gitem.edu within 1 week फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो आप अपना जो भी CV है या आपका जो भी CV के साथ जो भी सपोर्टिंग टेस्टिमोनियल्स हैं वो सब आप एक सिंगल PDF में अटैच करके आपको भेज देना इस मेल ID पे। तो ऑलरेडी मेल ID इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यहाँ पे इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंसन कर रखा है, तो आप इस पे जाके जो है इस कॉन्टैक्ट नंबर पे जाके आप अपना जो भी आपका डाउट है उस वो आप इसमें क्वेरी जो है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नंबर मैंसन कर रखा है, कॉन्टैक्ट नंबर 08455-221-200 201/2022। तो ये एक मैं आपको बता दूँ, ये जो गीतम है ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है। तो एक मे बी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इट इज़ अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी लेकिन एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी, इसका आपने नाम सुना होगा। हैदराबाद में सर्च करेंगे गीतम यूनिवर्सिटी को तो आपको यहाँ पे जो है अच्छे अच्छे टीचिंग के लिए भी यहाँ पे अच्छा है, अगर आप एक्सपीरियंस लेते हैं रिसर्च भी, अगर मे बी जो गीतम यूनिवर्सिटी में अगर आप ज्वाइन करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो मे बी आपको यहाँ पे लैब भी प्रोवाइड की जाएगी अपना जो रिसर्च है उसे कंडक्ट करने के लिए। तो अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो गीतम में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे आपको रिसर्च रिलेटेड जो भी आपको लैब दी जाएगी और मे बी थोड़ा बहुत फंड भी आपको दिया जाएगा अपना रिसर्च जो है वो स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप सारा एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।